अस्सलामुअलैकुम। हैदराबादी दावतों की शान और जान, मटन मरक की शानदार रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। इसे आप लोग इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें। मटन मरक यानि मटन स्ट्यू, या आप इसे मटन सूप भी कह सकते हैं। हैदराबाद में इसे कैसे बनाया जाता है ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेलकम टू चैनल कुक विद फैम। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल कुक विद फैम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मरक बनाना शुरू करते हैं। बावर्ची स्टाइल हैदराबादी शादियों वाला फेमस मटन मरक बनाने के लिए सबसे पहले एक वेजल में 1 किलो गोश्त ले लें, हड्डी वाला गोश्त लें। नेक्स्ट इसमें डालिए 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी हैं, ये स्पेशल अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1/4 टीस्पून ही डालिए, ज्यादा नहीं। नमक 1 या 1.5 टीस्पून। नेक्स्ट इसमें डालिए 6 हरी मिर्चियों का पेस्ट। थोड़े से पानी के साथ पीस लें, बारीक पेस्ट की तरह पीसिए। अब नेक्स्ट हम इसमें घी डाल देते हैं। घी इसमें ज्यादा लगेगा, 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालिए। 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज भी डाल दें। फ्लेम को हाई पे रखिए और इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब गोश्त को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद अब इसमें डालिए 100 ग्राम दही। दही को अच्छे से फेंट के डालिए। 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दें, 2 लौंग और 1 इलायची भी डाल दें। फिर से अच्छे से मिक्स कर लें इसे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लें। अब फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा पका लें दही की कच्ची बुझाने तक। इसके लिए हमें बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। देखिए इसे अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देते हैं। इसी पानी में गोश्त हमें गलाना है। यह तो अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और गोश्त 90% गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते जाइए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह बावर्ची स्टाइल है इसीलिए मैं वेजल में ही गोश्त गला रही हूँ। टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में गला लें, इसके लिए वक्त हमें ज्यादा लगेगा। गोश्त तो हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इसमें हमें 20 बादाम और 20 काजू का पेस्ट डालना है। थोड़े से दूध के साथ पीस के डालिए। बादाम का स्किन निकाल दें, यानी बादाम का छिलका निकाल दें। गर्म पानी में 10 मिनट रख दें, आराम से छिलका निकल जाएगा। काजू बादाम का पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून भर के व्हाइट पेपर पाउडर, ये ना हो तो ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब इसमें हमें बहुत सारा पानी डालना है। पानी मैं 3 ग्लास डाल रही हूं, इस ग्लास से भर के। 2 से 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम भी डाल दें, ये ना हो तो दूध के ऊपर की मलाई पीस के डाल दें। फ्लेम को हाई पे रखिए, अच्छे से मिक्स करिए। इसमें उबाल आने देते हैं। गोश्त में हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट चाहिए। देखिए कितने आसानी से टूट रहा है। एक बार आप इसे चाख के देख लें, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दें। मटन मरक यानी यह हैदराबादी मटन सूप या मटन स्ट्यू है। इस तरह से इसे बना के खाते हैं। हैदराबादी मटन सूप की खासियत है कि इसमें हम नट्स भी ऐड करते हैं पीस के, बादाम काजू, आप चाहें तो पिस्ता भी पीस के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। देख सकते हैं आप इसमें उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को लो पे रख दें और इसमें थोड़े से धनिया, पुदीने के पत्ते और एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें अच्छी खुशबू के लिए।
और आखिर में हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डालना है। यह हैदराबादी गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून डालिए, ज्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स करिए, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। मरक हमारा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार और खुशबूदार मरक तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, देखिए घी साइड्स में कितने अच्छे से नजर आ रहा है, यही कलर हमें चाहिए। गर्मा गर्म इसे एक बाउल में सर्व कर लें। कमेंट में जरूर बताएं ये मजेदार हैदराबादी स्पेशल मटन मरक की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें वीडियो पसंद आए तो। ये हैदराबादी नान ले लें और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डालते जाइए। इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छे से डुबो लें, देखिए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। एक बार बना के तो देखिए, बहुत बहुत मजा आने वाला है। इसी के साथ एक गोश्त का पीस भी ले लें। एकदम परफेक्ट। ऐसे ही सिंपल और मजेदार रेसिपीज में लेके आती रहूंगी, इसलिए चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें, तभी आपको मेरे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशंस मिलेंगे।